और इसी क्रम में बता दें कि राहुल गांधी द्वारा विदेश में चीन की तारीफ करने और आरएसएस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी चीन के ब्रांड एम्बेसडर हैं और दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाते हैं। वीडी शर्मा ने कहा है कि इस वक्त दुनिया के देश भारत से अपील कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं किसी न किसी रूप में भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वर्तमान समय में हमारा सौभाग्य है कि दुनिया हमसे, हमारे नेतृत्व से अपेक्षा कर रही है कि दुनिया में अगर शांति संभव है तो भारत में इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या यूक्रेन युद्ध से लेकर के रूस तक की जो बातें उसमें भारत के प्रधानमंत्री से दुनिया के अन्य देशों के लोग अपील कर रहे हैं, लेकिन इस समय भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक तो है ही, ये भारत का अपमान है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी पहली बार नहीं, जब भी वो विदेश यात्रा पर जाते हैं किसी न किसी रूप में भारत को बदनाम करने का ही प्रयास करते हैं, ये कांग्रेस के खून में या इस गांधी परिवार के खून में भारत के खिलाफ जो जींस है वो उजागर होते हैं। और कभी कभी मैं देखता हूं कि जब भी वो विदेश यात्रा पर जाते हैं भारत को बदनाम करते हैं, चीन की वो हमेशा प्रशंसा करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि चीन के ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी हैं, जैसे पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर दिग्विजय सिंह भूमिका निभाते हैं, ऐसे ही चीन के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर राहुल गांधी भूमिका निभाते हैं।